हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोराकोट 0.5 mg रेस्पुल्स के बारे में, जो कि सीओपीडी के इलाज में यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये फोराकोट 0.5 mg रेस्पुल्स जो कि सिप्ला लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 331 रुपए है, जो कि एक पाउच में 5 रेस्पुल्स अवेलेबल है। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप पूरे पैकेट ले, नहीं, आप एक रेस्पुल्स भी ले सकते हैं, जो कि आपको 65-66 रुपए के एक रेस्पुल्स पड़ जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो हम देखते हैं फोरमेट्रोल एंड बूटेसोनाइड, और इधर कुछ देखते हैं फोरमेट्रोल 20 माइक्रोग्राम बूटेसोनाइड 0.5 mg। दोस्तों, फोराकोट 0.5 mg रेस्पुल्स जो कि इनहेलेशन के लिए यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, इस रेस्पुल्स को अस्थमा में यूज कर सकते हैं। नंबर 2, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको यूज करवाया जाता है। नंबर 3, सीओपीडी डिजीज में भी यूज की जाती है। नंबर 4, नाक गले फेफड़े में होने वाले सूजन को भी दूर करता है, बलगम हो तो उसको भी ठीक करता है। नंबर 5, यह वायु मार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में भी मदद करता है। घबराहट हो सांस लेने की कठिनाई की वजह से तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको इन सभी कंडीशन में यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। एडल्ट दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसको नेबुलाइजर मशीन में डालकर भाप लिया जाता है। दोस्तों, ये बेटर रहेगा कि दिन में 2 बार यूज करें इसको, बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। और चाइल्ड को डॉक्टर अपने हिसाब से डोज फिक्स करते हैं कंडीशन को देखकर। इसको एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेल्फ यूज ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज करें, ये बातें ध्यान रखें आप। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त ये दिखे, जैसे कि चेस्ट पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मसल्स पेन, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो फोराकोट 0.5 mg रेस्पुल्स के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया रेस्पुल्स है और काफी अच्छा रेल दिया गया है। और दोस्तों, इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, फोराकोट 0.5 mg रेस्पुल्स, फोराकोट 1 mg रेस्पुल्स, फोराकोट रोटा कैप 200, फोराकोट रोटा कैप 400, फोराकोट इनहेलर 100 माइक्रोग्राम, फोराकोट इनहेलर 200 माइक्रोग्राम, फोराकोट इनहेलर 400 माइक्रोग्राम और फोराकोट इनहेलर 4 भी अवेलेबल है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप फोराकोट 0.5 mg रेस्पुल्स के जगह आप बूटामेट NAB 0.5 mg रेस्पुल्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि कंपनी अलग है बट सेम इंग्रेडिएंट है और इसमें भी 1 mg और 0.5 mg अवेलेबल है। तो डॉक्टर कंडीशन को देखकर पेशेंट को यूज करवाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।